के साथ मुगलाई मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है गाइस, आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं बताना। वो प्राइस में लोग जो चीज़ देते हैं वो सच में ही अच्छा है। मेरा नाम है तनवीर और आज हम लोग खाने वाले हैं एक कोलकाता का बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही एक फेमस आइटम जिसका नाम है मुगलाई पराठा। वैसे तो आप लोगों ने मुगलाई पराठा काफ़ी और जगह पे खाया होगा, पर मुगलाई पराठा का जो शुरुआत हुआ था ना वो हुआ था कोलकाता के ये अनादि केबिन से। तो आज मैं आ गया हूँ उस रेस्टोरेंट के बाहर। 104 साल पुराना ये रेस्टोरेंट है और कहते हैं कि मुगलाई पराठा का शुरुआत यहीं से हुआ था। तो चलिए फटाफट चलते हैं और देखते हैं इन लोगों का मुगलाई पराठा बनाने का पूरा मेकिंग, उसके बाद ओनर से बात करते हैं और फिर एक सच्चा सा रिव्यू देते हैं। चलिए, ये मुगलाई बना रहे क्या? मुगलाई पराठा बनता है। मुगलाई पराठा मैदा का बनता है ना? और ये क्या चीज़ का स्टफिंग दे रहे हैं? प्याज आधा, नारियल, धने पत्ता, पुदीना पत्ता, पर्जे पत्ता, उनका। अच्छा, और उसका अंदर अंडा, हंस का अंडा है क्या? हंस, ये मेनू में लिखा हुआ हंस का अंडा। उसके बाद यहाँ पर फिर होता है फ्राई। क्या प्राइस है भैया इसका? 90 रुपीज। 80 रुपीज। डबल अंडा 80 रुपीज, सिंगल अंडा 70 रुपीज। डबल अंडा ना, मुर्गी वाला ना अंडा 80 रुपीज। अच्छा, दो टाइप का मिलता है ना, एक एक मुर्गी का अंडा का और एक खास का अंडा का। खास मतलब वो बत्तख हो गया। और एड गेस्ट यहाँ पर बन रहा है गर्मा गर्म मुगलाई। ये सारा मुगलाई अंडा का होता है क्या भैया? अंडा नहीं देना चाहिए उसका, अंडा मुगलाई नहीं होता। नहीं होता है। अच्छा, हम मैंने सुना है कि सबसे पहले मुगलाई यहीं पर बनना शुरू हुआ था। ये सच बात है क्या? हाँ, ये सच बात है। और कितने साल हो गए भैया अपने? 104 साल हो गए। तो देख लो गाइस, ये है गर्मा गर्म मुगलाई। 104 साल से ये मुगलाई बनते हुए आ रहा है। वैसे तो मुगलाई आप लोगों ने काफ़ी जगह खाया होगा, पर इन लोगों का कहना है कि मुगलाई यहीं से सबसे पहले यहाँ पर बना था, इन लोगों ने शुरुआत किया था। अभी तो फिलहाल काफ़ी जगह आपको मुगलाई मिल जाएगा, पर यहाँ पर जो मुगलाई मिलता है उसका स्पेशलिटी है कि यहाँ पर आपको दो टाइप का मुगलाई मिल जाएगा। एक तो है नॉर्मल अंडे के साथ, मुर्गी के अंडे के साथ, और एक है हाँस के अंडा, मतलब बत्तख के अंडे के साथ, जो सिर्फ यहीं पर मिलता है। ये बत्तख के अंडे के साथ सिर्फ आपके दुकान पर ही मैंने देखा है, और तो कहीं मैंने देखा नहीं है। तो ये इसीलिए रीज़न है कि इतना यहाँ पर भीड़ होता है। तो बत्तख के अंडे के साथ मुगलाई मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है गाइस, आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं बताना। ये देख लो, ये बन रहा है यहाँ पर मुगलाई। मैंने जैसे आपको बोला कि यहाँ का स्पेशलिटी है कि यहाँ पर दो टाइप का मिलता है, एक बत्तख के अंडे के साथ यहाँ पर आपको मुगलाई मिल जाएगा। और लोगों का भीड़ देख लो, लोगों का भीड़ यहाँ पर काफ़ी, जब भी आओगे अब आपको हमेशा रश ही मिलेगा। 104 साल पुराना ये दुकान है और 104 साल पहले जैसा यहाँ पर मुगलाई सर्व किया जाता है ना, अभी भी यहाँ पर वैसे ही सर्व किया जाता है ऑथेंटिक तरीके से। और देख लो ये बनाने का तरीका, इसे डीप फ्राई नहीं किया जाता है, तावे के अंदर इसको फ्राई किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और देख लो काफ़ी स्पीड में ये अंकल बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी लेते हैं और ट्राई करते हैं और बताते हैं यहाँ का ऑथेंटिक मुगलाई खाने में कैसा होता है। चलिए। ऑल राइट गाइस, तो मेरे पास एक रेगुलर कस्टमर यहाँ पर है, नाम शबुरी नागदास। हाँ, हमेशा मतलब लॉकडाउन का बिफोर तो जब भी हम न्यू मार्केट आते हैं तो अनादि केबिन विजिट करके तो हम कभी नहीं ले जाते, लेकिन लॉकडाउन में तो आना ही बहुत कम हो गया, इसीलिए कम हो गया। हमारा यहाँ का माहौल हमको पुराना कलकत्ता बहुत अच्छा लगता है, इसमें हम कुछ नॉस्टैल्जिक है। मेरा दादा, ठाकुरदा, सब लोग ही तो इधर खा के किया। यहाँ बहुत फेमस है, इतना जो प्राइस में लोग जो
जो चीज़ देते हैं वो सच में ही अच्छा है। आपका फीडबैक मतलब काफ़ी अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैंने ले लिया यहाँ का फेमस ऑथेंटिक मुगलाई पराठा। देख लो, ये है बत्तख के अंडे का मुगलाई पराठा और साथ में है ये आलू का सब्ज़ी और ये ऑनियन काट के दिया गया है और ये केचप। तो ये दुकान काफ़ी फेमस है जैसे कि मैंने आपको बोला और सारा मेकिंग भी मैंने आपको दिखाया। तो कोई नहीं, अब इसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। वैसे अंदर काफ़ी रश है और तो अंदर वीडियो बनाना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो मैं परमिशन लेके बाहर में आकर बना रहा हूँ। ठीक है, इसको हाथ से ही तोड़ते हैं। ठीक है, देख लो, खाते हैं इसको ये सब्जी के साथ और लेते हैं चटनी। साथ में प्याज भी लेते हैं। ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है, वैसे इसको डीप फ्राई नहीं किया गया है, तावे के अंदर फ्राई किया जा रहा है। ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है, अंदर में जो स्टफिंग है ना, अंडा का स्टफिंग है और वो प्याज वगैरह दिया गया है, तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। और एक बार ट्राई करते हैं इसको, ऐसे ही खाली ट्राई करते हैं। मैं तो बोलूँगा इसके साथ आलू वगैरह का ज़रूरत भी नहीं है, आप खाली इसको खा सकते हो। हाँ, केचप रहेगा, केचप के साथ खा सकते हो। वैसे देख लो अंदर का स्टफिंग कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छे तरीके से फोल्ड करके दिया गया है। मुझे प्याज दिख रहा है, अंडा दिख रहा है, मिर्चा वगैरह दिख रहा है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया यहाँ का ऑथेंटिक मुगलाई पराठा। आपको भी अगर खाना है तो आपको आना पड़ेगा अनादि प्रसिद्ध इस केबिन पे। वैसे यहाँ का एड्रेस वगैरह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलिए फटाफट से इसको खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। A few moments later. ऑलराइट गाइस, तो खाना पीना तो मेरा हो गया है कम्प्लीट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जहाँ तक सवाल था वो मुगलाई पराठा का ना, तो मुझे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को गाइस यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।